हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेडटॉक्स। आज हम बात करेंगे कॉमनली यूज़ होने वाली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है लीवर 52। लीवर 52 में जानेंगे हम डिफरेंस बिटवीन लीवर 52 एंड लीवर 52 TS और यूज़ तथा डोज के बारे में। लीवर 52 हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि आठ औषधियों की एक कंपोजिशन है, जिसमें मुख्यतः चिकोरा या कायसरा व कैप्रवैसा यानी कि हिमसरा नेम की मेडिसिन मुख्यतः इसमें मुख्य रोल अहम प्ले करती है। बात करते हैं लीवर 52 की पैकेजिंग के बारे में। अगर लीवर 52 की बात करें तो लीवर 52 100 टैबलेट की पैकेजिंग में हमें किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। वैसे ही बात करें लीवर 52 DS, इसमें 60 टैबलेट की पैकेजिंग हमें मिलती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लीवर 52 के यूजेस के बारे में। लीवर 52 मुख्यतः डॉक्टर द्वारा कुछ कॉमन डिजीज़ में पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि पेशेंट में लीवर की टॉक्सिसिटी तथा अल्कोहल टॉक्सिसिटी व अल्कोहल की वजह से लीवर का डैमेज होना या लीवर में स्वेलिंग तथा लीवर सीरियोसिस व लीवर में स्वेलिंग या फिर फैटी लीवर होना। इसके साथ ही यह डॉक्टर्स द्वारा जॉइंटस के पेशेंट को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। जॉइंटस यानी कि पीलिया मुख्यतः पेशेंट के लीवर को अफेक्ट करता है व लीवर में टॉक्सिसिटी यानी जॉइंटस के कारण होने वाली टॉक्सिसिटी से लीवर सेल का डैमेज जब होता है तो लीवर सेल्स की रिकवरी के लिए लीवर 52 पेशेंट को प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। अगर बात करें लीवर 52 की, तो अगर अन्य बीमारियों में लीवर 52 का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, स्टमक डिस्टॉर्सन, वीकनेस या भूख ना लगना व स्किन तथा आइज में येलो कलर का दिखना भी कुछ कॉमन डिसऑर्डर पेशेंट में तब देखे जाते हैं जब कुछ अन्य मेडिसिन के द्वारा या सेल्फ मेडिकेशन द्वारा अन्य दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए। अगर हम लीवर 52 के अन्य यूज़ यानी के अदर यूज़ की बात करें तो देखा गया है कि लीवर 52 बॉडी बिल्डर्स द्वारा यानी के जिमनास्टिक द्वारा मसल्स बिल्डिंग या फिर वेट गेन करने के लिए भी लीवर 52 का इस्तेमाल करवाया जाता है कि वेट गेन करने के लिए या फिर मसल बिल्ड्स करने के लिए शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आहार मिले। तो कई बार जिमनास्टिक द्वारा लीवर 52 इस्तेमाल करने को कहा जाता है, क्योंकि यह लीवर्स के इंजाइम्स को बूस्ट करता है, जिससे पेशेंट में भूख लगती है। इसी के साथ लीवर इंजाइम्स भोजन के पोषक तत्व व उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी सहायक होता है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि जिमनास्टिक द्वारा यह इसलिए भी यूज़ करवाया जाता है क्योंकि जिम में जाने वाले अधिकतर लोग प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कई लोगों में यह प्रोटीन पाउडर प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता व यह टॉक्सिक इफ़ेक्ट या फिर लीवर पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट अपने छोड़ जाता है। इसीलिए कई बार यह प्रोटीन पाउडर यूज़ करने वाले लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्रोटीन पाउडर का प्रॉपर रूप से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके व लीवर की टॉक्सिसिटी को अफेक्शन से बचाया जाए। जिमनास्टिक अधिकतर इसको इसलिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि प्रोटीन पाउडर के अधिकतम यूटिलाइज करने से जब यह बॉडी में पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो बॉडी बिल्डर्स को भूख ना लगना, यहाँ तक कि एनोरेक्सिया या शारीरिक वीकनेस अंदरूनी तौर पर आ जाती है। इसलिए जिमनास्टिक द्वारा लीवर 52 भी इस्तेमाल में करवाया जाता है। लीवर 52 की बात करें तो यह डायबिटीज़ पेशेंट भी इसका अधिकतम इस्तेमाल करते देखे गए हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए लीवर 52 भी काफ़ी हद तक एक सेफ मेडिसिन है।
क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन डायबिटीज से अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि 52 लीवर डिजीज़ को रिपेयर करने में या इसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कारगर व सहायक होता है। दोस्तों, ध्यान रहे, किसी भी दवा का सेल्फ मेडिकेशन खुद से या अपनी मर्जी से ना करें। हर प्रकार की दवा का या किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यह कई बार डॉक्टर्स द्वारा उन पेशेंट को भी प्रेस्क्राइब करवाई जाती है जो कि लॉन्ग टर्म से पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेन किलर्स अधिकतम तौर पर या ज़्यादातर लीवर को अफेक्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लीवर 52 के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर बात करें लीवर 52 की, तो लीवर 52 एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका कि आम तौर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन कई बार कई पेशेंट में इसका साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, शरीर पर रैशल्स व दवा का इस्तेमाल करने के कुछ देर बाद उल्टी का आना, इस तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लीवर 52 के डोजेस के बारे में। लीवर 52 या किसी भी मेडिसिन की हम बात करें तो दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर कॉमन डोज की बात करें तो यह डॉक्टर्स द्वारा एक गोली दिन में 2 टाइम या दिन में 3 टाइम तक प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। अगर बात करें किसी पेशेंट को या किसी पेशेंट के लीवर में टॉक्सिक या लीवर टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिले, तो डॉक्टर्स द्वारा कई बार 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम को इस्तेमाल करने के लिए भी पेशेंट को कहा जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी थी लीवर 52 या और लीवर 52 डीएस में अगर बात करें तो डीएस यानी कि डबल स्ट्रेंथ में सेम तरह की ही मेडिसिन लीवर 52 डीएस में मौजूद होती हैं, लेकिन जिन पेशेंट्स को लीवर 52 दिन में 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर तथा 2 गोली शाम को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, तो उन पेशेंट के लिए लीवर 52 डीएस यानी कि डबल स्ट्रेंथ 1 गोली ही इस्तेमाल में लाई जाती है, क्योंकि लीवर 52 डबल स्ट्रेंथ वह कंपोज करती है जिसमें कि लीवर 52 प्लेन की साल्ट फॉर्मेशन इसमें डबल मात्रा में देखने को हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, ये था एक कॉमन डिफरेंस लीवर 52 व लीवर 52 डीएस में। बात करते हैं लीवर 52 के इस्तेमाल करने की ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन की बात करें तो लीवर 52 को मुख्यतः 2 से 3 महीने तक या कई बार पेशेंट में लीवर टॉक्सिसिटी अधिक देखने को मिले तो डॉक्टर्स द्वारा यह 3 महीने से ज़्यादा भी इस्तेमाल में करवाई जाती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं लीवर 52 के इस्तेमाल करने के दौरान उसके प्रिकॉशंस के बारे में। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जब भी हम लीवर 52 का इस्तेमाल करें तो हमें किसी भी प्रकार का जंक फूड, स्पाइसी फूड या ऑयली फूड तथा प्रोटीन पाउडर जैसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि अल्कोहल का भी इस्तेमाल ना करें। अगर बात करें प्रेगनेंसी के दौरान, तो यूं तो लीवर 52 सिर्फ फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में एक सेफ मेडिसिन है, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का इस्तेमाल खुद से या सेल्फ मेडिकेशन से ना करें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना लीवर 52 टैबलेट सिर्फ व लीवर 52 डबल स्ट्रेंथ के बारे में। अगर दी गई जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।